साथियों आज हम जाएंगे दुनिया के सबसे खतरनाक जगह पर एसी लगाने के लिए। ये खतरनाक जगह वो दो आदमी के लिए है जो हमसे पहले वहाँ पर जाकर विजिट किए हैं और बताए हैं कि यहाँ पर एसी लगने लायक जगह नहीं है। तो आज हम उस साइट को विजिट करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरह का जगह है। लगाने का हुआ तो पॉसिबल हुआ तो उस जगह एसी लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। तो पहले चलिए चलकर देखते हैं वो जगह कैसा है। बनाते रहो इधर ही लेला मुझे मेरे कपार पर था टाटा वर्जेस कर लेगा भूलेगा नहीं जाता। तो अभी हम मिर्जापुरी में उसी कस्टमर के यहाँ चले आए हैं जहाँ पर ये एसी हमको लगाना है। ये 5-star एसी है, स्प्लिट एसी, ये इंडोर यूनिट का। यहाँ पर ये ऐसा रेटिंग 5.20 दिए हुआ है, तो इंडोर और आउटडोर दोनों यूनिट है। एक स्टैंड हम अपने साथ लाए हैं, लेकिन एक स्टैंड ये पहले से देख रहे हैं इनके यहाँ रखा हुआ है। और इनके यहाँ जो रूम में लगेगा एसी वो ये रूम है, ये रूम है। और उस फोटो, साईं बाबा का फोटो है, वहाँ पर वो एसी लगाना चाह रहे हैं। तो रूम जो है 1.5 टन के हिसाब से सुइटेबल है, रूम बड़ा नहीं है नहीं छोटा है, एकदम सुइटेबल है। और इनका आउटडोर यूनिट जो लगेगा वो हम दिखा देते हैं आपको। ये इस गली में है, बालकोनी में, और इनको कह रहे हैं आउटडोर यूनिट को यहाँ पर लगाने के लिए, ठीक है, इस जगह पर ये आउटडोर यूनिट कह रहे हैं लगाने के लिए। और यहाँ पर एक और वोल्टास का आउटडोर यूनिट लगा हुआ है जो कल ही लगा के गए हैं, वो ये रहा। और सेम इसी तरह से हमको कह रहे हैं कि एलजी का भी लगाने, लेकिन इस जगह पर कोई ख़तरनाक जगह तो हमको दिख नहीं रहा है। पता नहीं क्यों हमसे पहले जो आया था वो इसको डेंजरस जगह बताकर चले गया। चलो खोलो खोलो, थे। ये है ना, इसको रख लो, इन्हें लगे बल्ब। 5-star डेटन कैपेसिटी का ये यूनिट है और इनका मॉडल है QN19QNZE। देखने में काफ़ी सुंदर है, ऐसा ही लुक का सारा एलजी का जो है जितना भी यूनिट आ रहा है अभी के टाइम में सब इसी लुक का आ रहा है, जो कि काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। आउटडोर यूनिट को भी अनबॉक्सिंग कर लिए, देखिए आउटडोर यूनिट में पाइप लगा हुआ है। इनका इंसुलेशन जो कवर होता है पाइप का वो बहुत ही हेवी होता है, मस्त होता है एकदम, जल्दी सड़ता गलता नहीं है अदर एसीओ के पाइप पर जो इंसुलेशन लगाता है उनके कंपेयर में। तो ये 5-star में जो है ये वाइट वाला इंसुलेशन मिलता है। और बाकी इधर इसका कॉयल है, कॉयल भी और बॉडी भी इनका काफ़ी मजबूत होता है अदर एसीओ के कंपेयर में, अगर आप छू कर टच करके इसको देखें तो। पीछे के तरफ से पहले ड्रिल कर लेंगे, क्योंकि कस्टमर कह रहे हैं कि इधर से ही कर लीजिए ताकि अंदर से पता चल जाए कि कहां पर मार्किंग करना है। बात तो सही कर रहे हैं, तो इसीलिए हम पीछे से ही इनको पहले ड्रिल करवा रहे हैं ताकि अंदर एग्जैक्ट पता लगे कि कहां निकल रहा है। और वहीं होल करके इंडोर यूनिट को टांगेंगे, इंडोर यूनिट को इंस्टॉल करेंगे। हो गया, आ जाइए, छोड़ दो। जब तक उधर अब उधर दीवार में छेद कर रहा है तब तक हम ये पाइप में जो है इस कवर पर ये इंसुलेशन टेप जो दिया हुआ है हमको कंपनी ने दिया है एसी के साथ, वो हम इस पर लपेट देंगे। देखिए सेफ्टी पर सेफ्टी है इस पे, एक तो इतना मजबूत कवर है इनका पाइप का, उस पर से टेप मार रहे हैं तो समझिए कितना टिकाऊ हो गया ये। अदर एसीओ में क्या होता है, ये टेप भी नहीं मिलता है, ऐसा तो इंसुलेशन होता भी नहीं है, ऊपर से ये टेप भी नहीं होता है, जिनके वजह से क्या होता है कि साल दो साल में इंसुलेशन कवर जो होता है पाइप के ऊपर का वो सड़ सड़ के फट जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, ये टेप मार देने पर क्या होगा कि सालों साल चलेगा ये। आउटडोर यूनिट के पास ये पाइप को जो है ज़्यादा फैलाना नहीं है, ये रोल में ही रखना है, तो इसी वजह से ये मोड़े मोड़े में मार दिए हैं और इसी तरह वहाँ जो है पाइप को ज्वाइंट कर देंगे। अब उजर अपना भी काम करके ये प्लेट ठोकने लगे,
हॉल तो ऑलरेडी ये कर लिए और अब ये प्लेट पूरा लेवल में, बिल्कुल लेवल में लगाना है, क्योंकि एलजी कहता है कि हमारा एसी जो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, वो ड्रेनेज का सिस्टम हम खुद बना रखे हैं, इसीलिए हम इनको पूरा का पूरा लेवल में लगाएंगे, किधर एक सूता भी नहीं हम नीचे करेंगे। चेंज वही रहेगा ना? हाँ, और चटा चेंज पे। इसमें का इंबारा रहा था। इसमें का इंबारा रहा था। चलिए, हमारा इंडोर यूनिट तो इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन इनका वाटर स्लोप हम नहीं रखे हैं कहीं भी, एक सूता भी नहीं, बिल्कुल लेवल में लगाए हैं, इसीलिए हम आपको प्रूफ दिखा देते हैं कि इनमें वाटर स्लोप करने का जरूरत नहीं पड़ता है। अभी हम पानी डलवा रहे हैं और पीछे अभी जा करके दिखाते हैं आपको कि इसमें कैसे वाटर स्लोप बना रहता है। देखिए, बिल्कुल लेवल में लगाए हैं, एकदम एक सूता भी इधर उधर नहीं किए हैं। इधर देखिए, आ गया पानी, बंद करो। अब बच गया है आउटडोर यूनिट का क्रियाक्रम, तो उसके लिए हम स्टैंड जो है निकाल लिए हैं और अब स्टैंड को कस लेंगे बढ़िया से। ये जो पाइप है इनको यूनियन से पहले ही कस लेंगे, क्योंकि आउटडोर यूनिट लगाने के बाद जगह नहीं बचेगा, इसीलिए पहले ही लगा दिए। और अब हम आ गए हैं इनका मार्किंग लेने के लिए। वैसे 5-स्टार यूनिट में जो है 22 इंची डिस्टेंस रहता है नीचे के बेस का, तो उसी डिस्टेंस पर हम दोनों जो एंगल फिट करेंगे उसी डिस्टेंस पर रहेगा, 22 इंची पे। पाइप वाइप कनेक्ट करने के बाद करीब 15 मिनट गैस खोलने से पहले वे वैक्यूम करना जरूरी होता है, तो वो वैक्यूम हम कर चुके हैं। कस्टमर को बोले थोड़ा सा व्हाइट सीमेंट मंगवा दीजिए, क्योंकि व्हाइट सीमेंट जो हॉल को बढ़िया से पकड़ लेता है, मजबूत होता है थोड़ा, तो वो लेकिन बोले कि मेरे पास वॉल पुट्टी है वही भर दीजिए फिलहाल, तो ये वॉल पुट्टी ही हॉल में भराया जा रहा है। ये बिजली वाला पॉइंट जो है हम अभी फिलहाल एक्सटेंशन बोर्ड से ही चलवा रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट जो है अभी क्लियर नहीं करवाए हैं बिजली मिस्त्री से। तो अब देखिए हमारा एसी किस तरह से लग रहा है, रूम ठीक ठाक है,
इस एसी के कैपेसिटी के हिसाब से। और अब हमारा एसी जो एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है, आउटडोर यूनिट भी इनका ऑन हो चुका है। इनका सबसे सुंदर जो लगता है, इनका लुक लगता है हमको, काफ़ी सुंदर लुक है इनका। और चलिए अब आउटडोर को दिखाते हैं। आप आउटडोर यूनिट इस जगह पर ये देख लीजिए, यहाँ हमारा आउटडोर यूनिट है, सबसे सेफेस्ट जगह है, बढ़िया जगह है। और इधर से हम दिखा देते हैं इसमें, ठीक है। ये पहला कंफर्ट एयर, इसको प्रेस कीजिएगा, वो फ्लेप जो अप डाउन होता है वो सीधा स्ट्रेट हो जाएगा, और वो छत से चिपकता हुआ ठंडा हवा पूरे रूम को ठंडा कर देगा। इस मोड पे इस बटन को तब प्रेस किया जाता है, जनरली आदमी जब जैसे अपने रूम में रेसिडेंटल पर्पज़ के लिए लगाए हैं। अब घर में छोटा नवजात बच्चा है, या आप खुद चाहते हैं कि मेरे बदन पर डायरेक्ट ठंडा हवा नहीं पड़े, ठंडा हवा डायरेक्ट पड़ने से थोड़ा हानि होता है, तो इसको प्रेस करने पर क्या होगा, वही सेम सिस्टम हो जाएगा और रूम से छत से चिपकता हुआ ठंडा हवा जो है रूम को ठंडा कर देगा। फिर इसको प्रेस कीजिएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ये पावर ऑन ऑफ है, ये लाइट ऑन ऑफ है, डिस्प्ले का लाइट हाइड हो जाएगा, सो होगा इसको प्रेस। दोस्तों अभी जहाँ से हम एसी लगा के आ रहे हैं, झूठों से कोई कह दिया कि खतरनाक जगह है, कितना आसान जगह था, एक बच्चा भी एसी इंस्टॉल कर लेता। पता नहीं उन पिछले दो लोगों को क्या दिखा उसमें जो उतना खतरनाक लगा, शायद उनको इंस्टॉल करने का मन ही नहीं होगा। तो हम जा करके इंस्टॉल कर दिए, अच्छा खासा इंस्टॉल हो गया। तो आज के वीडियो को बस यहीं तक समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट कंप्लेंट पर। जय हिंद।